लोग हैं जिनके चेहरे पर बिल्कुल जो निश्चिंत हैं, जिन्हें कोई चिंता है ही नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं है। एक थे प्रधानमंत्री मोदी और दूसरे ये जब प्रदीप जी आए थे हमारे शो में, तो ये भी बिल्कुल ऐसे ही थे। अब अपने दर्शकों को जल्दी जल्दी से बता देते हैं कि ब्रेकअप क्या है। तो ब्रेकअप में उत्तर प्रदेश में आप कह रहे हैं कि 67 से 72 सीटें एनडीए को आ रही हैं, 64 से 67, मतलब वो अपने 62 वाली परफॉर्मेंस से 2 से 5 सीटें ऊपर जा सकती हैं सिर्फ बीजेपी अपने दम पर। ये एक मतलब कम से कम अब इसके बाद ये आकलन होगा कि क्या राम मंदिर का असर हुआ। अब जल्दी से आगे बढ़िए तो बीजेपी की जो एलाइज है अपना दल, 2 सीटें जो उनको मिलती हैं जिसमें मिर्जापुर में खुद अनुप्रिया पटेल चुनावी मैदान में लड़ती हैं, वो वहां पर जीतती हुई दिखाई दे रही हैं। और वहीं बीजेपी के एलाइज को 3 से 5 सीटें आ रही हैं जिसमें सुभाषपा, आरएलडी, एडीएस। हम क्या माने, 2 सीटें मिली थी उनको भी, आरएलडी को क्या माने, दो सीटें आरएलडी को पिछले बार नहीं मिली थी, आरएलडी पिछले बार, इस बार 2 सीटें आरएलडी को मिलती हाँ। दिख रही है जो उन्होंने बागपत और बिजनौर से कांटेस्ट की हाँ। तो वो दोनों सीटें जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल दोनों सीटें जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वही है जहां पर जयंत सिंह और अजीत चौधरी और अजीत सिंह ने अपनी चौधरी सीट पिछली बार गवा दी थी इसी आरएलडी ने, मतलब अपनी सीट अजीत सिंह पिछली बार नहीं बचा पाए थे, जयंत चौधरी नहीं बचा पाए थे, वो बीजेपी के साथ, मतलब ये एक नेचुरल अलायंस शायद जनता ने समझा और वो पहुंच गए हैं।